अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एनीबडी कैन कुक विद सेबी। आज मैं आपके साथ कलाकंद की रेसिपी शेयर करूंगी। कलाकंद को सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन मिठाई होती है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कलाकंद बनाने के लिए हम लेंगे 250 ग्राम पनीर, एक गिलास दूध और हाफ बोल शक्कर। सबसे पहले पैन में अपने मिल्क को ऐड करें और इसे हाफ होने तक पकाएं। इतने हमारा मिल्क हाफ होएगा, इतने हमारे मिल्क में उबाल आता है और ये हाफ होता है। हम अपने पनीर को इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। पनीर इस तरीके से मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इस तरीके से एक दो मर्तबा इसको हाथ से मसल देंगे। ये देखें, दूध भी हमारा पक रहा है अच्छे से। इसे भी और रिड्यूस करना है। पनीर को हमने बस ऐसे ही दो तीन बार मैश करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस इस तरीके से। अभी हमें दूध को और पकाना है। अब मैं दूसरे गैस पे दूध को शिफ्ट कर देती हूँ। यहाँ पर एक पैन लेंगे, इसमें अपने पनीर को इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें 5 से 7 मिनट तक अपने पनीर को बनाना है। हाफ स्पून हम इसमें देसी घी शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाई टू मीडियम फ्लेम पे। बस हमें ज़्यादा नहीं करना है, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इस तरीके से। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अपने पनीर को डाल देंगे। ये देखें, हमारा मिल्क हाफ हो चुका है। अब हम इसमें अपनी शुगर को ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने हाफ बोल शुगर ली थी, बस इस तरीके से। दो से तीन मिनट के लिए इसे इस तरीके से चलाएं, इसे घुलने दें दूध में। ये देखें, शुगर भी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें अपने पनीर को ऐड कर देंगे। और इस तरीके से हम इसमें प्रॉपर चम्मच चलाएंगे। गैस की फ्लेम हमें हाई टू मीडियम रखनी है और इसी तरीके से हम चम्मच चलाते हुए बनाएंगे। अब हम इसमें 1/4 स्पून इलायची पाउडर डालेंगे और मिक्स कर देंगे। इस तरीके से बस इसी तरीके से हमें करना था। ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, एकदम से ड्राई भी नहीं होता। ये देखिए, हल्का हल्का सा इसमें मॉइस्चर है। बस हम अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने ट्रे को देसी घी से ग्रीस कर लिया है बस, और इस तरीके से हम इसको इसमें शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से, अच्छे से फैला देंगे। बस अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसको ऊपर गार्निश कर देंगे। इसको रूम टेम्परेचर, जब तक ये रूम टेम्परेचर तक नहीं होता, हम इसे बाहर ही ठंडा करेंगे। फिर उसके बाद आधे घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में सेट होने रख देंगे। आधे घंटे बाद हमने फ्रिज में से निकाल के इस तरीके से इसके पीस बना लिए थे। ये देखिए,
हमारी ज़बरदस्त सी कलाकंद बनके तैयार है। आप भी इसी तरीके से बनाएं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।